ओके तो हम लोग आज जा रहे हैं रेणुगुड के सबसे पहले मोमोज वाले के यहाँ। एंड एक्चुअली ये मेरे भैया लगते हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, साथ में हमारे ठाकुर हैं। ऐ ठाकुर, तो साथ में जाने वाले हैं, कुछ टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कैसा है मोमोज उनका, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। मज़ा मैंने कितने बार बोला काउंट करो और कमेंट में लिख के बताओ। ओके तो फिर से मैं बोलता हूँ, मज़ा आने वाला है। लास्ट तक इस वीडियो को देखो, लास्ट में कुछ ट्राई करने वाला हूँ, कुछ माइंड रीडिंग, कुछ मैजिक ट्राई करेंगे। तो बस जुड़े रहो। मस्त बाइक गई यार पीछे से। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं भानु भैया की शॉप पे, और यहाँ पे भाई अभी मैंने एक प्लेट मोमोज खाया है, और सॉरी उसकी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन एक प्लेट मोमोज खाने के बाद फिर से हम भैया से बोलते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से मोमोज बना के दो हमें। और भैया यहाँ पे फ्राइड मोमोज नहीं बनाते, नॉर्मल मोमोज हैं, बहुत ही लाइट, बहुत ही मतलब क्या बताओ। ठाकुर तू बता यार, तुझे कैसे लगे? बढ़िया बढ़िया, ठाकुर ने बोल दिया बढ़िया, यानी बढ़िया है। तो अभी भैया से आपको मिलवाते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हाँ, तुम लोग काउंट करते रहो मैंने ये वर्ड कितने बार बोला है। ओके, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके तो बस स्टे ट्यून, लास्ट तक वीडियो को देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके तो ये हमारे भानु भैया हैं। हेलो भैया, कैसे हैं आप? ओके तो एक बार आप उठा के दिखाइए, दिखाइए कितने बच्चे हैं आपके पास। ये हमारे वेज मोमो हैं। ये खत्म ही है यार, खत्म ही है। अच्छा आप कितने बजे से लगाए हुए शॉप? मैं 5:30 से लगाता हूँ। 5:30 से लगाते हैं और सारे मोमोज अभी खत्म? 9:30 तक रहेंगे। ओके तो सही है। ये मोमोज आप घर पे ही बनाते हैं अपने हाथ से? एकदम होममेड है सब। और इसकी चटनी सब घर से ही है। अरे भाई, मार्केट का कुछ नहीं है। नहीं सही है। ओके तो मैं भानु भैया को पिछले 20 साल से जान रहा हूँ, हम लोग पहले पड़ोसी भी रह चुके हैं, और तब से ये और इनकी मम्मी इतने अच्छे डिशेस बनाते हैं ना, क्या बताएं। तो भैया एक प्लेट हम लोग के लिए लगा दीजिए, हमारी ऑडियंस देखेगी एक बार, बहुत मज़ा आने वाला है। और पता है इनकी चटनी बहुत ही स्पेशल है, मतलब आपने बहुत जगह मोमोज खाए होंगे, लेकिन इनकी जो चटनी है ना भैया, चटनी भी आप अपने से ही बनाते हो? हाँ मोमोज भी स्पेशल है, आपको कैसे लगते हैं भैया? बहुत अच्छा मोमोज लगता है यहाँ का। तो भैया जल्दी से एक प्लेट निकालिए, बहुत छोड़ के यहीं आता हूँ खाने के लिए। फिर से बताइए सबको, पूरे मार्केट का छोड़ के यहीं आता हूँ खाने के लिए। ये बात जरूर, ये बात। तो हम आपको एक बार लोकेशन दिखाते हैं, मैं कहाँ पे हूँ भैया, बता सकते हैं हम लोग कहाँ पे हैं अभी? सिंह मेडिकल के जस्ट सामने। ओके, सिंह मेडिकल के जस्ट सामने हम लोग यहाँ पे भैया लगाते हैं, और हॉस्पिटल गेट है यहाँ पे। हाँ, हॉस्पिटल गेट के सामने। अगर आप रेणुकूट में हो और यहाँ पे मोमोज नहीं खाया आपने, तो भाई क्यों नहीं खाया है, आओ खाओ। और भैया ने टाइमिंग ऑलरेडी बता दी है, 5:30 to 9 PM, आप कभी भी आओ, भैया के पास फ्रेश मोमोज हैंडमेड बनेगा, मिलेगा, और बहुत ही मज़ा आएगा खा के। रिप्रेजेंटेशन देखो यार, मोमोज की रिप्रेजेंटेशन देखो यार, बहुत ही मस्त, देख के ही मुंह में पानी आ जाए। तो मैं तो जा रहा हूँ मोमोज को एंजॉय करने, और लास्ट तक आप वीडियो देखो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओ भाई, अभी हमने जस्ट मोमोज आए, और मतलब ठाकुर तू बता कैसा लगा तुझे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा यहाँ पे भैया के कुछ फ्रेंड्स भी खड़े हुए हैं, और कुछ कस्टमर भी, उनसे भी पूछते हैं उन्हें कैसा लगता है मोमोज इनका। भैया आप लोग बताओ यार, आप लोगों ने अभी जस्ट खाया, कैसा लगा? हम लोग को भाई टेस्ट बढ़िया लगता है, रोज आते हैं खाने। भाई सही है। अच्छा भैया के साथ कुछ ट्राई करने वाले हैं, तो बस ट्राई करते हैं, लास्ट तक देखो वीडियो को, मज़ा आएगा। मैं आपका माइंड रीड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और पहले बता दो सबको, हम लोग कुछ मिले हुए तो नहीं है, हम लोग पहली बार मिले हैं, राइट? हम लोग तो पहले से मिले हुए हैं, लेकिन क्या होने वाला वो तो नहीं पता आपको। ओके ठीक है, तो मज़ा आएगा। ये मेरा फ़ोन है, आपको कॉल करेंगे। ओके, आपको नाइस फ़ोन है, सड़ा हुआ फ़ोन है यार ये। ओके ठीक है, तो आपको किसी एक बॉलीवुड स्टार के बारे में सोचना है, कोई भी हो सकता है, कोई हीरो हीरोइन, कोई भी हो सकता है। मैंने बोला था किसी का नाम सोचने के लिए, आपके दिमाग में एक नाम चल रहा है, मैंने इनको बोला तो नहीं ना कहीं लिख दीजिए, या फिर आपने मुझे बताया नहीं है। देयर इज नो वे दैट आई कैन गेस कि ये क्या सोच रहे हैं इस समय। मैंने स्टार्टिंग से आपको मेरा फ़ोन दिया हुआ है, राइट? फ़ोन को खोलिए, मैं इसका स्क्रीन लॉक खोल देता हूँ, ठीक है? ऐसे पकड़ के रखिए इस फ़ोन को, रखिए, देखिए मेरा नेट ऑफ है ना, देख लो नेट ऑफ है मेरा, नेट ऑफ है। ओके मेरा नेट ऑफ है, और ये फ़ोन आपके पास स्टार्टिंग से हाथ में पड़ा हुआ है। आप एक फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में सोच रहे हैं, राइट? उसके बारे में सोचते रहिए, जो भी था,
फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसके बारे में सोच रहे हैं, नाम बताइए। सनी देओल, रैंडमली प्रोडक्ट कहीं कुछ भी आप सोच सकते हैं। मेरा फोन अभी भी देख लो, मेरा फोन लॉक है और मतलब अनलॉक कर दिया और नेट नहीं चल रहा है, ओके, ताकि कोई ये ना सोच सके कि कहीं से कुछ आ गया। यहाँ पे आने के पहले मुझे लगा था कि आप कुछ सेलेक्ट करेंगे किसी सेलिब्रिटी का नाम, तो मैंने उसे पहले से गूगल पे सर्च करके रखा हुआ है। एक बार फिर गूगल खोल के देखिए, नीचे रोम में सनी देओल जी, आपकी चॉइस थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे यार नाइस यार, नाइस। हाँ समझ रही है, नहीं यार एकदम, मैंने कि इन्होंने रेंडमली मैंने चूज किया था और रेंडमली इन्होंने सेम वही आए। थैंक यू यार, नाइस यार। ओके तो थैंक यू सो मच भैया फॉर योर मोमोज, और बहुत ही अच्छे मोमोज लगे आपके। तो गाइस अगर आप रेणुकूट में रहते हो या रेणुकूट आप विजिट करने आए हो तो जरूर आना सिंह मेडिकल के सामने, वन एंड ओनली भानु भैया के मोमोज। तो थैंक यू सो मच।